गाइस, बड़ी बड़ी कंपनियां मैच को स्पॉन्सर करती है और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है अपने प्रोडक्ट्स के एड्स के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ग्राउंड में फुटबॉल का मैच चल रहा है, प्लेयर की सेम मूवमेंट चल रही है, लेकिन बैकग्राउंड में जो LED बोर्ड है उनमें डिफरेंट एड्स को दिखाया जा रहा है। अब ये क्यों और कैसे होता है? दरअसल गाइस, ये सब किया जाता है वर्चुअल रिप्लेसमेंट प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी की मदद से, और ऐसा करने का फायदा बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए। गाइस, बहुत सारे एड्स मैचेस के अंदर इंटरेस्टिंग ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है और उसे US में दिखाया जाए तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसे ही US की कंपनी में इंडिया में दिखाया जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। गाइस, सारे मैच एक बार ही होते हैं, उनके मूवमेंट भी एक बार ही कैप्चर होते हैं। अब इसी लिमिटेड टाइम के अंदर मैचेस को काउंटिंग करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी अपने एड्स का प्रमोशन करती है। और अब बात करते हैं क्रिकेट मैच के बारे में। आपने देखा होगा कि ग्राउंड में हमेशा कई कंपनी के लोगो ग्राउंड घास पर शो होते हैं, वो इनको कैसे पेंट करते हैं, इसके वजह से हमें ये 4K जैसे शो होते हैं। दरअसल किसी भी कंपनी का लोगो ग्राउंड पे शो करना होता है, सबसे पहले उसका फ्रेम बनाया जाता है, उसके बाद पेंट की मदद से उसे छाप दिया जाता है। और गाइस, जो ये पेंट होता है वह नॉर्मल नहीं बल्कि यूनिक होता है, जिसे आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है, वह पानी की मदद से ये आसानी से साफ भी हो जाता है। साथ ही ग्राउंड में जब भी एड्स के लोगों को पेंट करते हैं तो उसकी सी ऑफ लोकेशन ऐसे रखते हैं कि बॉल प्लेयर के साथ साथ एड्स को अटेंशन भी जनरेट हो सके। फॉर एग्जांपल, जब भी प्लेयर शॉट मारता है तो कैमरा का फोकस प्लेयर के साथ साथ एड पर भी होता है। कैमरा को ऐसे एंगल पर रखते हैं जिससे एड्स लोगों पर 4K भी दिखे। हमें ये देखने में ईजी लगता हो बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड गेस है, तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।